आज देश की आर्थिक उन्नति में विभिन्न वित्तीय प्रणालियों का अहम योगदान है। भारत सरकार के निरंतर प्रयासों से अब बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है। इसी के चलते शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय साक्षरता एक प्रमुख आवश्यकता बन रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अब वित्तीय साक्षरता को नए मुकाम दे रहा है। साल 2017 में शुरू हुई ये प्रणाली आज लाखों ग्रामीण परिवारों और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही है। पैसा किस तरह रखना है, घर पर रखते थे, उससे कोई फायदा नहीं होता था। बैंक से मतलब ना कतराते थे जाने के लिए, लेकिन दीदी लोग के सहयोग से हम लोग भी निडर होकर के आगे बढ़ रहे। डे NRLM एवं SRLM की इस वित्तीय साक्षरता मुहिम को मजबूत बनाया है 3-टायर प्रणाली ने। इसमें रूट सिटी राष्ट्रीय अकादमी द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर, ब्लॉक लेवल पर वित्तीय साक्षरता वाली कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी FLCRP को प्रशिक्षित करते हैं। स्वयं सहायता समूहों में से चुनी गई ये FLCRP ट्रेनिंग के बाद गांव में जाकर SHG की महिलाओं को वित्तीय प्रशिक्षण देती हैं। पहले जागरूकता फैलाने तक सीमित रहने वाली FLCRP अब सुचारू ढंग से वित्तीय सेवाएं भी मुहैया करवा रही है। ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಸಂಘದವರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಕೇಂದ್ರ ಏವಂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಸೆ ದೇಶ ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಬಾದಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಮಯ ಸಮಯ ಪರ್ ನೈ ಲಾಭಕಾರಿ ಯೋಜನಾಯೆ ನೀತಿಯಾ ಔರ್ ವಿತ್ತೀಯ ಉತ್ಪಾದ ಲೇಕರ್ ಆತೆ ಹೈ। ಬ್ಯಾಂಕೋ ಕೋ ಯಹ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಹೈ ಕಿ ವಿತ್ತೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕೇಂದ್ರೋ ಜಿಸೆ ಹಮ್ FLC ಬಿ ಕಹತೆ ಹೈ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟರಸಿ ಸೆಂಟರ, उसके माध्यम से इसका विकास करें। और अभी तक बैंकों ने लाखों लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाया है। यह कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि NRLM जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, इसने एक बहुत ही नए तरीके का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो कम्युनिटी लेड होगा, या यूँ कहें कि समूह के नेतृत्व में यह काम किया जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए बड़ा प्रभावी है और बैंकों के साथ मिलकर के यह काम किया जाएगा। बैंक प्रतिनिधियों के सहयोग से गांव में मौजूद FLCRP इन बैंकिंग सेवाओं की जानकारी समूह की महिलाओं तक पहुंचाने का काम करती हैं। एक तरह से बैंकिंग व्यवस्था और FLCRP एक दूसरे के पूरक बनकर वित्तीय साक्षरता में भागीदारी निभा रहे हैं। वित्तीय साक्षरता की बढ़ती सफलता की एक मुख्य कड़ी है सक्षम सेंटर। इन सेंटरों पर FLCRP, BC सखी, बीमा सखी जैसी सभी प्रशिक्षित प्रतिनिधियों के काम के आपसी समन्वय का लेखा जोखा मिलता है। कि महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, सेविंग में दिक्कत आ रही है या फिर बचत खाते में उन्हें दिक्कत आ रही है कि उनका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। जितने भी FI के सारे कैडर हैं वो सक्षम सेंटर में आ जाते हैं। सक्षम सेंटर को महिलाओं के काम के लिए एक सक्षम सेंटर बनाया। वहीं डिजिटल इंडिया की राह पर शुरू हुआ सक्षम ऐप अब इस प्रणाली को और भी सरल बना रहा है। SHG सदस्यों की ट्रेनिंग और उसके नतीजों का पूरा ब्यौरा और आंकड़े इसमें दर्ज किए जाते हैं। जो ये डिजिटल है, हम इसको पूरी तरह से अपना सकें और अपने काम को आसान करते हुए सक्षम ऐप के ऊपर ये सारी जानकारी आसानी से, ये जो हमने उनको साक्षरता दी थी उसका कितना इफेक्ट है और क्या इवैल्यूएशन उसकी है, ऐप के थ्रू काम किया जा रहा है तो वो ज्यादा बेटर है। आज देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता के निरंतर प्रयासों का प्रगतिशील असर दिखने लगा है। इसमें 551 जिलों के 4176 ब्लॉक शामिल हो चुके हैं, 1776 मास्टर ट्रेनर जुड़ चुके हैं, 37,000 से अधिक FLCRP कार्यरत हैं, लगभग 1.4 करोड़ SHG सदस्यों को हर वर्ष लाभ मिलता है। मिशन ने महिलाओं पर केंद्रित एक सिस्टम बनाया है। महिलाओं के माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी तो फैले ही, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वे सर्विसेज भी सभी लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा सके। यह बहुत ज़रूरी है कि जितने इसके हितधारक हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सभी एक साथ मिलकर समवेत रूप से इसमें प्रयास करें। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अग्रणी प्रयासों से आज देश भर के गांवों में एक समुदाय आधारित वित्तीय साक्षरता पारितंत्र का निर्माण हो रहा है। इस वित्तीय साक्षरता प्रणाली से पिछले 3-4 वर्षों में स्वयं सहायता समूह सदस्य
महिलाओं तक विभिन्न सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद मिली है। इसके अन्य प्रभावों में एनपीए में कमी आना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना इत्यादि में नामांकन बढ़ाना शामिल है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाकर ये मुहिम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनूठा कदम है।